सब्सक्राइब कीजिए वाओ गार्डनिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपने गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये अविनाश मेरे सामने ये क्या ला के रख दिया है कि आप आज कोई प्लांट्स नहीं, किसी के बारे में केयर नहीं, तो आज मैं आपको ऐसे बताने के वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ गार्लिक के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आप अपने घर पर शायद जानते हो या फिर काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। तो अगर जो नहीं जानते हैं इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। आई नो कि ज़्यादातर लोगों को ये सब पता रहता है, फिर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, आप तो देख पा रहे हो कि ये गार्लिक्स हैं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। ये काफ़ी यूज़फुल रहती हैं, खास करके विंटर्स के टाइम में इनका लोग काफ़ी यूज़ करते हैं अपने घर पर तरह तरह की चीज़ों पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आज आप लोग जो देखे होंगे, आप मार्केट में साग वगैरह मिलते हैं, तो वो आखिर में तैयार कैसे होते हैं। तो दोस्तों, वो आप अपने घर पे इजीली कैसे तैयार कर सकते हो उसको, तो मैं आज आपको इसी बारे में बताऊंगा। उसके पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दिया करिए ताकि मेरे गार्डनिंग से रिलेटेड हर वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करना है अपन लोग को, आज अपने घर पे इसे कैसे ग्रो करना है, और आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने इसे ग्रो कैसे करके रखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सिंपली इसका कुछ करना नहीं है ज़्यादा। आप इसे ना सिंपली ऐसे यहाँ से जिसके पॉड्स रहते हैं, इसको आप अगर मार्केट से परचेज करके लाओगे तो ऐसे कुछ दिखेंगे, तो आपको इसे सिंपली ऐसे इधर से रिमूव कर लेना है। तो उसे निकालने के बाद अब देखिए, इसको दो इसकी जल्दी से स्प्राउटिंग तैयार करने के लिए, इसे जल्दी से लगाने के लिए दो तीन तरीके होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे इसे ऐसे डायरेक्टली लगाओ या फिर इसे अगर आप कवर इसका निकाल कर लगाते हो तो भी ठीक रहता है, या फिर आपको ऐसे डायरेक्ट लगा देते हो तो भी निकल जाता है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बस इसके लगाने के दो तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहले ये कि आप अगर इसके कवर को आउट करके लगाओगे, काफ़ी लोग क्या होता है जैसे इसके कवर है ना, इसको ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे सिंपली इधर से निकाल लिया है। तो जब हमें इसका कवर इजिली निकल जाता है दोस्तों, तो मैंने इसे निकाल लिया है। तो देखिए, आप इसे अगर चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, पर अगर आप, कई लोग क्या करते हैं इसे ओवरनाइट ऐसे छोड़ देते हैं पानी में, पर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये फिर भी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा दोस्तों। और आपको कैसे ग्रो करना है साग, मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे ग्रो करना है। देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप यहाँ से इसकी ग्रोइंग टिप देख पा रहे हो कि ये अपने आप निकल के आ रही दोस्तों, अपने नेचुरली, अभी मैंने इसे शिफ्ट भी नहीं किया सॉइल के अंदर। तो देखिए, अपने आप ही कैसे निकल के आ रही है, ना ग्रीन ग्रीन से दिख रही है। और मेरे को यहाँ पास भी एक दिखी थी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, मैं आपको यहाँ कैमरा फोकस करके दिखाता हूँ, ये आपके यहाँ से दिख रही है, इसकी ग्रीन से शूट्स निकल के आ रही हैं। तो ये देखिए, अपने आप इस समय ना इनकी स्प्राउटिंग ऐसे चल रही है। तो अगर आप इसे अभी लगा देते हो तो बहुत जल्दी से आपके घर पे आपके ऑर्गेनिक तरीके से आपका साग जो है, आप अपने चटनी के लिए यूज़ कर रहे हो, अपनी सब्जी में डाल सकते हो, काफ़ी सारे साग की यूज़ है। तो ठंडी में लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं, मार्केट से लाते हैं, तो अपने घर पर इसे इजिली लगा सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि इसके दो तरीके हैं, आप चाहो तो कवर इसके साथ में लगाकर इसे लगा सकते हो सॉइल के अंदर, या फिर आप इसे डायरेक्टली भी ऐसे ग्रो कर सकते हो। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया, अब देखिए मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ कि मैंने इसे लगाया कैसे है और कैसे लगाना है अपन को इसके सॉइल के अंदर, वो चीज़ आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। वैसे मैंने आपको इजीली बताने के लिए ना आपको पहले से ही लगा के रखा था रेडी, कि आपको मैं दिखा भी सकूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी जगह लगाया है, देखिए यहाँ भी आपको आगे दिख रहे होंगे कई सारी जगह, ये देखिए यहाँ पर। तो ना इसकी जो आपको दिख रही होगी ना, काफ़ी बड़ी बड़ी सी ऐसे निकल के आती हैं ये, तो इसे ना कट करते रहते हैं धीमे धीमे, टाइम टू टाइम इसे कटिंग होती रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसे यूज़ करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब से ये कटिंग होती है ना, तो इसकी नए स्प्रॉट से यहाँ से निकल के आती है, तो बहुत अच्छा रहता है। इसके आप कटिंग भी करते रहेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपनी ग्रोथ बढ़ाती रहती है। देखिए, मैंने आपको और भी दिखा देता हूँ, मेरे यहाँ पास काफ़ी जगह लगी हुई है। तो देखिए, इसकी आप ये कितनी प्यारी से निकल के आई है, इतनी बड़ी बड़ी सी इसकी ये स्टिक जैसी दिख रही है ना आपको दिखने में, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे इधर से निकल के आई इसके लिए,
देखिए, तो ओवरऑल ना इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको लगाना कैसे है आपको सिंपली, अगर आप लगाना चाहते हो अपने घर पर। तो दोस्तों मैंने सिंपली 3 कलियाँ ले ली है, मैंने आपको इसको दिखा दिया है कि ये कैसे दिख रही थी यहाँ से। इसका स्प्राउट चालू भी हो गया है, तो इसे मैंने कवर इसके आउट कर लिए हैं और इसका जो मैंने कवर है इसमें रहने दिया है। मतलब मैंने आपको दोनों तरह का बताया है, तो आपको कैसे लगाना है वो मैं दिखाता हूँ। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका ये पॉइंट है ना जहाँ से इसकी ग्रोइंग चल रही है, ग्रोइंग टिप ही आपको दिख रही होगी ग्रीन कलर की, तो इसे आपको ना अपसाइड रखना है, यानी कि ऊपर की तरफ रखना है और सॉइल के अंदर ये जो नीचे का इसका हिस्सा है इसको ना नीचे दबा देना है, तो इसकी बहुत अच्छी से स्टार्ट ग्रोटिंग। देखिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि मैं इसे कैसे लगाने वाला हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ना, अब देखिए आप इसे अगर चाहो तो सिंपली ऐसे ना अपनी उंगलियों से ऐसे होल बना सकते हो, फिर उसके अंदर इसे ऐसे डायरेक्टली ऐसे लगा दोगे ये, और इसे थोड़ा सा यहाँ से ऐसे पैक कर लेना है, ये पूरी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। थोड़ी सी अगर दिखती भी रह जाती है तो कोई बात नहीं, ये फिर ग्रोथ में आ जाती है, नीचे से अपनी रूट बना लेती है। तो देखिए आप ये देख पा रहे होंगे, ये लग गई सिंपली, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं आपको ये जिसका मैंने कवर आउट नहीं किया है इसका भी दिखा देता हूँ, मेरे हाथ बहुत गंदे हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ से ये मैंने इसे भी ऐसे दबा दिया, तो अब ये भी अच्छी तरीके से लग जाएगी और यहाँ से अपनी रूट स्टार्ट कर देगी कुछ दिन के बाद से। तो दोस्तों बस इतना ही सिंपल होता है इसे अपने घर पर लगा देना। सो दोस्तों मेरी यही छोटी सी वीडियो थी आपके साथ अपने घर पर बिल्कुल ईजिली तरीके से गार्लिक को ग्रो करने की। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो से बहुत पसंद आई है। अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल वॉक गार्डनिंग को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।